जय हिंद। ज़्यादातर बच्चों का ये ख्वाब होता है कि जब हम NDA ज्वाइन करेंगे, इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे, तो हम पैरा SF में जाएंगे, मींस स्पेशल फोर्सेज में जाएंगे। लेकिन सवाल आता है कि पैरा SF में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि पैरा SF जो है, ठीक है, ये किसी भी डेजिग्नेशन या किसी भी हायरार्की को फॉलो नहीं करता है और ये 100% वॉलेंट्री है। कहने का मतलब, चाहे आर्मी में आप जवान हो, चाहे आप JCO हो, चाहे आप ऑफिसर हो, पैरा SF आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 100% वॉलेंट्री है, कोई इसके लिए आपको कंपेल नहीं करता। और पैरा SF की जो ट्रेनिंग है ये 90 डेज की होती है। एक्सप्लेन करना चाहूँगा, 90 डेज नहीं, ये 90 डेज और 90 नाइट्स की होती है। कहने का मतलब, जो 90 दिन की जो आपकी जो ट्रेनिंग होती है, इसमें दिन रात हर एक समय आपको, किसी भी समय आपको कोई ना कोई टास्क दे दिया जाता है। इसमें पैरा SF में ट्रेनिंग के दौरान आपकी एंड्योरेंस चेक नहीं की जाती है, क्योंकि इंडियन आर्मी में हो तो आप एंड्योर्ड हो, आप फिजिकली फिट हो, आप फिजिकली स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपकी मेंटल टफनेस चेक की जाती है कि आप कितने मेंटली टफ हो, मींस किस पॉइंट पे जाके आप ब्रेक होते हो या ब्रेक नहीं होते। तो जब आप ये 90 डेज की ट्रेनिंग को आप पूरा करते हो, तब आप वरुण मैरन आपको मिल जाता है और पैरा SF आप ज्वाइन कर लेते हो। हाँ, और इनकेस इस केस में कोई भी अगर आपको इंजरी होती है, कुछ भी है, तो आप दोबारा अपने इन्फेंट्री में आ जाते हो। जय हिंद।